सगरा थाना अंतर्गत बिहार नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस आसपास के इलाके में पता लगाने के प्रयास में जुटी, कोई व्यक्ति मिसिंग तो नहीं। सगरा थाना अंतर्गत बिहार नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस आसपास के इलाके में पता लगाने का प्रयास में जुटी, कोई व्यक्ति मिसिंग तो नहीं। हम आपको बता दें, सगरा थाना अंतर्गत बिहार नदी में आज शाम अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच गई है। जांच प्रारंभ है, किस तरीके से कहां से आया यह शव, कौन है यह व्यक्ति, पुलिस कर रही जांच। रीवा के बिहार नदी में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी का माहौल। पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस विभाग के तमाम लोग घटना स्थल पर मौजूद। पुलिस आसपास के इलाके में कर रही पूछताछ, कोई व्यक्ति मिसिंग तो नहीं। नदी के दोनों ओर रहने वाले इलाके में इस बात की तस्दीक कराई जा रही है, इलाके के सारे लोग हैं या फिर कोई मिसिंग है। फिलहाल पुलिस ने शव को बिहार नदी से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रखवा दिया है। शव को पोस्टमार्टम रूप में रखवा दिया गया है। पुलिस जुट गई है अब जांच। पुलिस की पहली प्राथमिकता शव के शिनाख्त कराने की। शिनाख्त होने के बाद तमाम बातों पर नजर रखने की है। कैसे शव आया, कहां से आया, यह व्यक्ति नदी में कैसे डूबा, इसे किसी ने फेंका या अपने आप डूबा, तमाम तरीके के सवाल हैं और पुलिस अब उनके जवाब ढूंढने में जुट गई। पुलिस को जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरे तरीके से पुलिस तय कर पाएगी यह व्यक्ति कौन है, कहां का रहने वाला था, किस तरीके से यहां पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस की पहली प्राथमिकता व्यक्ति की पहचान को लेकर है, जिसके लिए पुलिस ने प्रयास चालू कर दिए हैं। नदी के दोनों ओर रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है, आपके घर का कोई व्यक्ति मिसिंग तो नहीं है इन कपड़ों में। बारिश के मौसम में बिहार नदी में नदी का जल स्तर पहले से काफी बढ़ जाता है। वैसे तो साल के 12 महीने इस नदी में पानी होता है, क्योंकि बाण सागर डैम से इस नदी के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। सिरमौर में जहां पर बिजली बनती है, इसलिए पानी तो साल के 12 महीने होता है नदी में। अक्सर नदी में शव मिलते रहते हैं, ज़्यादातर मामले में नहर में पांव फिसलने या गिरने की वजह से ही शव की मिलने की सिलसिले प्रारंभ होते हैं। शव मिलते हैं सिलपरा के पास नहर में या फिर सिरमौर में, जहां पर इस पानी लगाकर इसको रोका जाता है, वहां बिजली में पानी गिरने के पहले। साफ तौर से हम आपको बता दें, नदी में डूबने के मामले कम ही नजर आते हैं। पुलिस अब सारे बिंदुओं पर जांच प्रारंभ कर चुकी है। पुलिस का कहना है, हम जल्द ही डूबने वाले व्यक्ति की पहचान कर लेंगे। इसके लिए हमने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस बारे में हमने रीवा के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से बात की, जो खुद मौके पर मौजूद थे। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। अभी बिहार नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। एफएसएल टीम हमारी मौके पर है। एफएसएल डॉक्टर अपनी टीम के साथ पूरा परीक्षण कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स ले रहे हैं और आसपास क्षेत्र में हम लोग उसका प्रसारण कर रहे हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए कि किस व्यक्ति की बॉडी है, और उसके पश्चात पीएम कराने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि कोई घटनाक्रम क्या घटित हुआ है और क्या कारण रहा है।